हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल सोनू डॉल्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मेरी डॉल्स की कलेक्शन। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों, आई होप कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। जैसे कि आपको पता है कि मैंने मेरा चैनल एक्चुअली DIY ड्रेसेस, बारबी ड्रेसेस से स्टार्ट किया था, लेकिन जैसे ही मैं स्टोरीज बना रही हूँ तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा कैरेक्टर्स लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम हमारी हर डॉल को डिटेल में देखते हैं। ये है हमारी फर्स्ट वाली जो डॉल, जो कि मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं इसे बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने यूज़ किया है। इसे इसके हैंड्स और इसके लेग्स, एल्बोस एंड नीज के पास मूवेबल है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। और ये है हमारी सेकेंड डॉल, जो कि मैंने कपल डॉल के साथ लिया था। मुझे इस डॉल के हेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिल्की है। और ये डॉल मैंने एक कपल डॉल के जैसी लिया था, तो इसके हैंड्स मूवेबल है, एल्बोज भी मूवेबल है, लेकिन नीज के पास ये मूवेबल नहीं है। और ये जो कपल डॉल मैंने इसके साथ लिया था वो है ये कैन। तो मैंने तो इसे ब्राइडल वाला वेडिंग आउटफिट बनाया है दोस्तों, वरना तो ये कैजुअल में ही आए थे। ये मेरी फर्स्ट कपल डॉल्स थी जो कि मैंने ली थी, और ये मेरा फर्स्ट कैन भी था। तो और ये है दोस्तों हमारी दूसरी वाली डॉल, जो कि मैंने सिर्फ 99 रुपीज़ में ली थी। मुझे इस डॉल के हेयर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऑल दो मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ हेयर स्टाइल्स ट्राई करूँगी, बट मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया है, बट मैं जल्द ही हेयर स्टाइल भी बनाऊँगी दोस्तों। और ये डॉल तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। हम इस डॉल को बिठा सकते हैं, ये हमें हाय बाय भी कर सकती है। मैंने इस डॉल को मम्मी जैसा लिया था रक्षाबंधन की स्टोरी में, आई गेस कि आप सभी ने ऑलरेडी देखा होगा। और ये है हमारी नेक्स्ट डॉल, जिसकी कि गोल्डन हेयर है, और जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। इसके हेयर तो दोस्तों कर्ली कर्ली है। इसके हैंड्स बहुत स्लिम हैं, बट आई गेस ये बहुत अच्छी है। इसके लेग्स भी बहुत ही स्लिम है। ये बैठ सकती है, हम इसे बिठा सकते हैं, और इसका नेक भी मूवेबल है। तो हमें ये डॉल कैन डॉल के साथ आया था, जो कि ये वाला है। मैंने इसकी शेरवानी भी बनाई है, मैं जल्दी इसकी वीडियो भी अपलोड करूँगी दोस्तों। तो ये है दूसरा कैन, जो कि मैं वेडिंग सीरीज में एज ए डैड यूज़ करने वाली हूँ। ऑल्दो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं इस वाली डॉल को एज ए मदर यूज़ करूँगी या एज ए सिस्टर। चलिए हम हमारे नेक्स्ट डॉल को देखते हैं। और ये है मेरी लेटेस्ट डॉल, जो कि मैंने 80 रुपीस में ख़रीदी है। इसकी ब्राउन कलर के हेयर है, मैंने ये ड्रेस इसे पहनाया है, और इसके लेग्स मूवेबल नहीं है ऑल दो। तो मैंने सोचा, क्योंकि मुझे शायद ही मॉम या फिर शायद ही कोई ऑडियंस, रिलेटिव्स बनाने होंगे, तो मैंने सोचा कि मैं इस डॉल को ख़रीद ही लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत सस्ती में मिल रही थी, वरना तो मुझे 80 रुपीस में डॉल मिलना तो बहुत ही मुश्किल था। और हम इसके हेयर स्टाइल भी इसे ऐसे बन बना सकते हैं। और ये है हमारी दूसरी वाली डॉल, जो कि बहुत ही अगेन मुझे सस्ती मिली थी। तो ये डॉल मुझे अराउंड 70 रुपीज़ में मिली थी। इसके हेयर जो है बहुत ही शॉर्ट है, बट हाँ ठीक है, 70 रुपीज़ में तो ऐसे ही रहेगा, राइट। तो या दिस वाज अगेन अ वेरी गुड डॉल। और ये है मेरी फर्स्ट वाली डॉल, जो कि मैंने पहली ख़रीदी थी। ऑल दो इसके हेयर गोल्डन कलर के थे, वो बहुत ही प्यारी दिखती थी दोस्तों। मैंने इस डॉल को ख़राब कर दिया ऑलमोस्ट, कलर किया था मैंने। मुझे लगा था कि मुझे ब्लैक कलर की हेयर वाली डॉल चाहिए, जो कि इंडियन जैसे लुक दे, बट यू नो जैसे ही मैंने इसे कलर किया, थोड़ी दिन के बाद ही इसका कलर पूरा फैलने लगा। और जब भी मैं इसे छूती हूँ, इसका कलर फिर भी जाता है, और दूसरे डॉल्स को भी लग जाता है एंड ऑल दैट। तो मुझे इस डॉल को यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और ये है मेरी दूसरी डॉल्स, जो कि बहुत ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी डॉल्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक डॉल के हेयर कलर पिंक है और दूसरे के येलोइश गोल्डन है। तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने तो मेरी फेवरेट डॉल बता दिया कि कौन सी है, तो आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी डॉल सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इन सब डॉल्स को दोस्तों मैं वेडिंग सीरीज़ में यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप कोई भी वेडिंग स्टोरी मिस ना करें। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जो भी इन डॉल को ड्रेसेस मैंने पहनाए हैं, वो सारी DIY ड्रेसेस है, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी वीडियोस। मेरे चैनल पे आप DIY ज्वेलरी, DIY एक्सेसरीज, DIY ईयरिंग्स, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। और मैंने तो रिसेंटली DIY बारबी फर्नीचर भी बनाना शुरू कर दिया है दोस्तों। और मैंने बारबी के लिए फर्नीचर, रूम, किचन में तो बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।
दोस्तों मेरे पास टोटल है ना 12 डॉल्स हैं, तो आज के लिए बाय बाय।